लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि दीदी कोलाब मिलता कैसे है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोलाब मिलता कैसे, कितने फॉलोअर्स पे आपको कोलाबेशन मिलने लगेगा। आप लोगों के दिमाग में हमेशा एक चीज चलती है कि जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलते हैं उस प्रोडक्ट को हम लोगों को रिटर्न करना होता है या नहीं करना होता है। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज की ये वीडियो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग का भर भर के कमेंट एक क्वेश्चन पे आता है, दीदी ये कोलाबेशन कैसे होता है, ब्रांड कोलाबेशन कैसे करते हैं, या प्रमोशन कैसे मिलता है, और कैसे आप लोग इन लोगों से टाई अप करते हैं। बहुत चीजें, तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो कोलाबेशन में प्रोडक्ट आते हैं वो आप लोगों को फ्री में दिए जाते हैं, या वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप लोग रिटर्न कर देते हो। मतलब तरह तरह के भर भर के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, और इस तरह के हर एक दिन शायद मैं कई लोगों को आंसर भी करती हूँ, कई लोगों को आंसर नहीं भी कर पाती हूं। तो मैंने सोचा आज बहुत कुछ दिमाग में चला आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो बहुत चीज दिमाग में चला और मैंने सोचा किसके लिए क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। तो आज ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है और आपके लोग के ढेर सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकती है। तो प्लीज कंटिन्यू रहिएगा इस वीडियो में और एंड तक देखिएगा, शायद इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज्यादा मदद मिल पाए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम आसान भाषा का, मतलब इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को आज शायद हम समझाएंगे कि कोलाबेशन क्या होता है, कैसे हम लोग कोलाब करते हैं, कैसे हम लोग को एक पास। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है हाँ आप लोगों को भर भर के, दीदी आप लोग इन लोग से बात कैसे करते हो, इन लोग से टाइप कैसे करते हो, कैसे आप लोगों की इन लोगों से बात होती है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आपको जितना भी कोलाब वाला सिस्टम होता है, जितना भी कोलाबेशन होता है, वो सारी चीजें इंस्टाग्राम से होती हैं। मतलब उसमें आपको ये नहीं कि फेसबुक से आपको मिलेगा कोलाब मिलेगा, या आपको यूट्यूब से आपको कोलाब मिलेगा। जो आप कोलाबेशन का मतलब आप यहां पे समझिए, जो जैसे आप अक्सर मुझे देखते होंगे, जैसे मैंने ये सूट पहन रखा, तो मैं आप अक्सर आपसे कहती हूँ कि ये मुझे इंस्टाग्राम स्टोर से मुझे रिसीव हुआ है। तो ये जो ये मैं कोलाब उनके साथ करी हूँ, ये मैंने कोलाबेशन करी हूँ, उनकी चीजों को मैं प्रमोट कर रही हूँ। जैसे आपको मैं बताऊं, अब और भी ज्यादा इजी लैंग्वेज में सोचिए कि जो कोलाबेशन होता है, जैसे मैं किसी सूट का प्रचार कर रही हूं, मैं ज्वेलरी का ऐड कर रही हूं, या मैं क्या बोलते हैं कोई साड़ी का ऐड कर रही हूं, या मैं किसी भी चीज का कर रही हूं, तो जैसे ये सब चीजों का एडवर्टाइजेशन ऐड कर रही हूं, तो वो मुझे इंस्टाग्राम से मिलता है। और इंस्टाग्राम पे आप लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये आप लोग खरीदते हो कि आप लोग को फ्री में मिलता है। तो एक चीज समझो डियर, इसको हम लोग खरीदेंगे क्यों? जब ये जैसे आप वहां पे इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना कि बहुत लोगों ने अपना अपना पेज बना रखा है। अब पेज का मतलब स्टोर बना रखा है। अब स्टोर और पेज का भी मतलब ना समझ पा रहे तो बहुत और इजी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि जैसे अपनी अपनी दुकान बना रखी है, दुकान है सबकी अपनी अपनी। जैसे किसी का नाम सृष्टि आयुष बाजार, जैसे मैंने अपना एक अभी चैनल डाला था 1-2 महीने पहले, अभी तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूं उसको। तो ये एक मतलब स्टोर बना रखे हैं और वहां पे ऑनलाइन प्रोडक्ट हम दिखाते हैं आप लोगों को, आप लोग को जो समझ में आता है आप लोग वहां से खरीदते हो। पर कभी कभी क्या होता है, उस मतलब वो जो पेज है उसको प्रमोशन उनसे करवाया जाता है जिनका फेस वायरल है। अक्सर लोगों के अभी क्वेश्चन का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे अक्सर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि दीदी कोलाब मिलता कैसे है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोलाब मिलता कैसे, कितने फॉलोअर्स पे आपको कोलाबेशन मिलने लगेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। तो मैं आपको बता दूं, कोलाबेशन अभी अधिकतर अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास बहुत लाखों फॉलोअर्स हैं और उन लोगों को कोलाबेशन नहीं मिलता है। मैं आपको रियलिटी बता दूं, लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं, फिर भी उनको कोलाबेशन नहीं मिलता है। हम आपको बताए बहुत लोग ऐसे लोग हैं। कोलाबेशन का और मतलब स्पॉन्सरशिप का या इन सब चीजों का फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है। शायद मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में भी, इसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था, और इसमें भी मैं बता रही हूं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितनी चीजें हैं, ये सब मायने रखती ही नहीं कोलाबेशन में। कोलाबेशन में एक चीज मायने रखता है, जैसे सपोज करो कि अभी मैं एक चैनल डालू, एक नया चैनल डालू, इस समय अभी मैं एक नया चैनल डालू और उस चैनल पे मैं काम करना शुरू कर दू, मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं भी होंगे, मेरे 5,000 भी सब्सक्राइबर होंगे ना, तभी मुझे कोलाबेशन मिल जाएगा। इसका रीजन ये है कि जैसे हमको लोग पहचान रहे हैं, तो कोलाबेशन और स्पॉन्सरशिप का मेन मुद्दा ये होता है कि आपसे ऑडियंस कितनी ज्यादा कनेक्ट हो रही है और आपको आपकी कितनी पब्लिसिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, आप लोग आपको कितने लोग जान रहे हैं। अब बहुत लोग क्या होता है, सब्सक्राइबर गेन करने के लिए उल्टी सीधी मतलब तरह तरह की वीडियो डालते रहते हैं, इधर की वीडियो उधर की वीडियो, तो परमानेंट आए दिन शॉर्ट्स डालें, आए दिन चीजें डालें, बस मेरे सब्सक्राइबर ढेर सारे हो जाएंगे तो मुझे कोलाबेशन मिले। सब्सक्राइबर गेन करना और फेस वैल्यू बढ़ाना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कभी कभी बहुत लोगों के बहुत सब्सक्राइबर होते हैं, बहुत लोगों के बहुत इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत लोगों की बहुत कुछ चीजें होती हैं, पर उनको कोई नहीं जानता है,
बहुत लोग उनको नहीं जानते हैं, उनको बहुत चुनिंदा ना उनके खुद के अगर एक मतलब उनके 70,000 फॉलोअर्स है तो उनको उनके फॉलोअर्स में भी उनको शायद 10,000 भी ना जानते हो, क्योंकि वो जब वीडियो डालते हैं तो उनके 10,000 भी लोग वीडियो 70,000 में 10,000 का व्यूज भी आना उनका मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे ये मैटर नहीं होता है कि आपके कितने सब्सक्राइबर है, कितने फॉलोअर्स है, आपके 5,000 10,000 भी है तब भी आपको कोलाबरेशन मिलेगा, आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और आपके अगर कभी 6,00,000 भी सब्सक्राइबर हो गए और 6,00,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो गए और उसका उसके बाद भी आपको कोलाबरेशन नहीं मिलेगा, ये दोनों एक अलग अलग चीजें होती हैं। और दूसरी बात ये होता है कि जैसे आपने किसी से रोग आकर के आपने कोलाबरेशन मांग लिया, आपने किसी पेज को बार रिक्वेस्ट कर करके आपने मांग लिया, तो वो भी क्या है कि एक दो बार हो सकता है वो आपके आपने इधर उधर से सब्सक्राइबर गेन किया या फॉलोअर्स गेन किया, आपको एक दो बार वो प्रोडक्ट भेजा पर उसको रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो दोबारा आपके साथ टाई अप नहीं करना चाहेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है। जैसे उसने सपोज करो कि उसने भेजी दिया, चलो आपको काम आपको एक साड़ी भेज दिया और सपोज करो कि आपने उस पर जबरदस्ती मतलब वीडियो वीडियो नाच गा के बना भी ली, पर उसकी उसके उसके प्रोडक्ट पे अगर रिस्पांस नहीं आएगा तो वो दोबारा आपको अपनी चीजें क्यों देगा, क्योंकि उसको रिस्पांस चाहिए ना, जो भी कंपनी भेज रही है या जो भी स्टोर वाले भेज रहे हैं तो उसको रिस्पांस चाहिए कि हाँ इस पे आपने वीडियो बनाया तो उस पे रिस्पांस मिला तो वो दोबारा भी आपको प्रोडक्ट देंगे। तो ये चीज आपको शायद क्लियर हो रही होगी कि कोलाबरेशन और स्पॉन्सरशिप कैसे मिलता है। तो यहाँ पे ये मत परेशान हुआ करिए कि आप लोग बहुत ढेर सारे सब्सक्राइबर गेन करिए, ये भी मत परेशान हुई है कि आप लोग के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है तभी आपको कोलाबरेशन, अगर आपकी फेस वैल्यू बन रही है, आप लोग आपको लोग पहचान रहे हैं आपके नाम से, आपकी चीजों से लोग पहचान रहे हैं, तो आपको कोलाबरेशन कम फॉलोअर्स और कम सब्सक्राइबर में भी मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, आपका बोलने का तरीका सोशल मीडिया पे कितना अच्छा है, ये सब इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, अब दूसरी बात आप लोगों के दिमाग में हमेशा एक चीज चलती है कि जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलते हैं उस प्रोडक्ट को हम लोगों को रिटर्न करना होता है या नहीं करना होता है। तो मैं आपको कह दूं डियर बता रही हूं कि वो प्रोडक्ट हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये सूट पहना है या मैं किसी साड़ी पे कोलाब कर रही हूं और मैं बता रही हूं कि ये साड़ी यहां फलाना पेज से आई, तो वो रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मैं भी तो उनके साथ काम कर रही हूं ना। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर है, कुछ इन्फ्लुएंसर है भी और कुछ नहीं भी है। अब जैसे अब ये अब आप सोचोगे कि क्या ये केवल प्रोडक्ट बेस पे होता है कि उसमें पैसे भी लिए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, आपकी अच्छी खासी फेस वैल्यू है और आपकी सोशल मीडिया पे अच्छी खासी छवि है तो लोग प्रोडक्ट के साथ पैसे भी लेते हैं, मतलब केवल बार्टर नहीं करते हैं। जो प्रोडक्ट के साथ केवल होता है उसे बार्टर कोलाबरेशन कहते हैं, मगर प्रोडक्ट के साथ वहां पे चार्जेस करते हैं। जैसे एक साड़ी उन्होंने सामने वाले पेज ने भेजी तो उसके चार्ज अपने वो चार्ज मतलब फिक्स करके रखते हैं, वो चार्ज वो देते हैं और वो प्रोडक्ट देते हैं, तब उसके ऊपर वो रील्स बनाते हैं और उसके ऊपर स्टोरी शेयर करते हैं। तो शायद आपको मेरी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। अब जैसे आप ये बता दें कि फेसबुक से आपको कोई भी ना कोलाबरेशन मिलेगा ना स्पॉन्सरशिप वीडियो मतलब कोई आपको प्रमोशन का वीडियो मिलेगा, फेसबुक ऐसा कुछ नहीं करता है। हाँ यूट्यूब पे आपको अच्छे अच्छे स्पॉन्सरशिप के मतलब मिलते हैं, आपको अच्छी अच्छी ब्रांड आपसे जुड़ती है। इंस्टाग्राम पे तो इस टाइप की चीजें चलती हैं, मतलब फैशन की चीजें इस टाइप की चीजें चलती है, मगर जो यूट्यूब पे अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है और यूट्यूब पे आपने अच्छी पहचान बना ली है तो यूट्यूब पे अच्छे पैसे मिलते हैं आपको। जैसे स्पॉन्सरशिप पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे गुड वाइब्स है या मामा अर्थ है या जैसे मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं आपसे आपको मेल करती हैं, आपसे टाई अप करती हैं और वो अपने ब्रांड का प्रमोशन कराती हैं, उस पे आपको मोटा पैसा मिलता है। जैसे उस पे आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं तो आप 15,000-20,000 पर हेड वीडियो की ले सकते हो। ठीक है ना, तो यूट्यूब पे अच्छा पैसा मिलता है आपको, स्पॉन्सरशिप का अच्छा पैसा मिलता है। और जो इंस्टाग्राम पे होता है वहां पे आपको जैसे कपड़े मिल रहे हैं, चूड़े मिल रहे हैं या आपको कोई प्रोडक्ट मिला है, आपको बेडशीट मिल रही है या कोई भी चीज किसी भी चीज का हो रहा है तो आपकी आपके अच्छे अच्छे खासे मतलब पकड़ है तो आपको प्रोडक्ट के साथ पैसे भी मिलेंगे, दोनों चीज मिलेगी। तो अब आपको समझ में शायद मेरी बातें ये चीज क्लियर हो रही है कि कोलाबरेशन या स्पॉन्सरशिप पाने के लिए बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर या बहुत ज्यादा फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती, फेस वैल्यू की जरूरत होती, कंटेंट की जरूरत होती है और आपने अपनी कितनी सोशल मीडिया पे कैसी छवि बना रखी ये भी होती है। कभी कभी आपकी बहुत अच्छी मतलब बहुत लोग वर्गल वीडियो डाल देते हैं या मतलब उल्टी सीधी वीडियो डालते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे फॉलोअर्स या कुछ भी डाल लें, ऊटपटांग हरकतें करके कुछ भी डालें तो वो सोच रहे मुझे ब्रांड कोलाबरेशन देगी या कुछ, तो वो भी तो एनालाइज करिए ना कि आपका वीडियो किस कैटेगरी में जा रहा है। तो हर चीज देखने के बाद ही सामने वाला आपके साथ टाई अप करता है और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। तो इससे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के शायद बहुत ज्यादा क्वेश्चन कोलाब को लेके या स्पॉन्सरशिप को लेकर हम शायद समझा पाए हूं, आई होप मतलब मुझे लग रहा है कि मैं समझा पाई हूं और कुछ मिस नहीं कर रही हूं। और इसी तरीके से चलता है
जैसे मुझसे अक्सर आप ही लोग पूछते हो कि दीदी आपने ये जो साड़ी पहनते हो आप लोग रिटर्न करते हो? नहीं डियर, रिटर्न वटर्न नहीं करते। हाँ एक क्वेश्चन आप लोग का सबसे ज्यादा ये आता है, मेरे साथ तो खास तौर से, कि दीदी आप इतने ढेर सारे कपड़ों का करते क्या हो? हमेशा एक लोग आप लोग क्वेश्चन करते हो, दीदी आप लोग आप इतने ढेर सारे सूट हैं, ड्रेस हैं, और हर दिन आप नए कुर्तियां पहनती, तो आप इतने ढेर सारे कपड़ों का करती क्या, क्या आप इसको सेल आउट करते हो? तो मैं आपको बता दूं, काफी इन्फ्लुएंसर करते भी हैं और कर भी देना चाहिए, करेंगे क्या, वो रख करके करेंगे भी क्या, मगर अभी तक मैंने कभी सेल नहीं किया है। अभी तक एक्चुअली सृष्टि आयुष फैशन बाजार से मैंने कुछ चीजें सेल की थी, मगर उसमें मैंने अपना कोई भी चीज नहीं सेल किया था। मगर हाँ ये है कि अगर अब मुझे जरूरत लगेगी तो आप लोग सजेशन देना, आप ही लोग बताओ कि क्या मैं सेल कर दूं या नहीं करूं। अभी तो मेरे पास बहुत ढेर सारे कलेक्शन है, बहुत ही मतलब भर भर के कलेक्शन रखे हैं। साड़ियां तो पता नहीं कितनी हो चुकी हैं, सूट कितने हो चुके हैं, ड्रेस तो पता नहीं कितने, और वो भी आप समझिए, अब जैसे ये सूट आज मैंने पहना तो ये नेक्स्ट डे कल पहना ही नहीं है मुझे, मतलब मैं मात्र 2 रील्स बनाती हूँ, तो मतलब कपड़े तो बहुत ढेर सारे हैं। तो अगर आप कहोगे तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा अभी तक तो मेरा, मेरे हस्बैंड तो कहते हैं मत सेल सेल करो, और इसके पहले अभी मैंने कुछ दिन पहले 7-8 साड़ियां एक लोगों को दे भी, मतलब रिलेशन में मैंने दे भी दी है। तो आप लोग बताओ कि क्या अगर मैं सेल करना चाहूं तो कर दूं कि ना करूं, आप लोग यहां पे मुझे सजेस्ट भी करना। और इस तरीके से चलता है और इस तरीके से सारे इन्फ्लुएंसर का काम चल रहा है। और आप लोग इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे भी फेस वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करिए, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि वो फेस वैल्यू की नहीं, वो बस खाली फॉलोअर्स गेन हो जाए और सब्सक्राइबर गेन हो जाए, तो उसके चक्कर मत पड़िए, कोशिश करिए कि आपकी अपनी आइडेंटिटी हो, आपकी अपनी पहचान हो, उस पर काम करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको 100% स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी और कोलैबोरेशन भी मिलेगा। और जब आपकी फेस वैल्यू होती है तो सामने से आपको कहने की जरूरत नहीं होती, सामने से ही ब्रांड आपसे टाई अप करती है। तो आई होप आपको गाइस मेरी ये छोटी सी इजी भाषा शायद समझ में आई हो, बहुत सरल भाषा में आपको समझाया है। और मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी पसंद आई हो, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है, इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल बनाए रखना है। थैंक यू।